जम्मू में अर्धसैनिक बलों की 24 अतिरिक्त कंपनियां होंगी तैनात। संवेदनशील संदिग्ध इलाकों पर नजर। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती शुरू कर दी गई है। जम्मू जिले को इस बार अर्धसैनिक बलों की 24 अतिरिक्त कंपनियां मिली हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 5 से 6 अधिक हैं। पहली बार अमरनाथ यात्रा की रूट यात्रियों के रुकने के स्थलों, लंगरों और अन्य जगहों पर तैनाती के अलावा अर्धसैनिक बल उन जगहों पर भी तैनात किए जा रहे हैं जहां पर किसी अप्रिय घटना होने की आशंका है। जम्मू में अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां पहुंच चुकी हैं, जिन्हें पुरानी मंडी, राम मंदिर, पीरखो मंदिर, भगवती नगर आधार शिविर में तैनात किया गया है। इसके अलावा पुरमंडल मोड़ से लेकर झज्जर कोटली तक पूरे हाईवे पर जवान भेजे गए हैं। इसमें कुंजवानी, गंग्याल, सिद्धड़ा, नगरोटा का इलाका शामिल है। अगले 3 से 4 दिन में अन्य कंपनियां भी पहुंच जाएंगी। इन अतिरिक्त कंपनियों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी लगाए जाएंगे। इन जगहों के अलावा पुलिस ने आरएसपुरा, सुचेतगढ़, अखनूर, परगवाल, ज्योड़िया, खोड़, अरनिया, अब्दुलिया, मीरा साहिब क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जिन्हें आतंकी निशाना बना सकते हैं। इन जगहों पर अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। इनमें ITBP, SSB, CISF की कंपनियां शामिल हैं। पूरे जम्मू जिले में 15,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा रहे। कुल मिलाकर पूरे जम्मू जिले में अर्धसैनिक बलों और पुलिस को मिलाकर करीब 15,000 सुरक्षाकर्मी अलग अलग जगह पर तैनात किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 20% अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। SSP जम्मू विनोद कुमार का कहना है कि यात्रा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। कुछ संवेदनशील इलाके चिन्हित किए गए हैं जहां पर विशेष सुरक्षा होगी।